हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 10.8 एक में 2.3 का डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही पॉइंट दिखेगा तो आपको लगेगा कि डिवाइड बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं डिवाइड कैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको बिल्कुल आसान बनाने का प्रयास करेंगे। आसान कैसे बनेगा, देखिए पॉइंट को हम हटा देते हैं। तो पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे गुणा आएगा, एक पॉइंट के बाद कितने, एक दो, तो 2 0 आ गए। यहाँ पॉइंट हट गया, पॉइंट के बाद कितना आ गया, एक, तो यहाँ पे 1 0 आ गया। देखिए जितने डिजिट होंगे उतने 0 आ जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ गए। यहाँ पॉइंट हट गया, यहाँ भी पॉइंट हट गया। ये मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो कैंसिल होगा। कैसे, 0 से 0 कैंसिल। ऊपर कितना आ गया, 1081, नीचे कितना आ गया, 230। 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ गया, 230। तो इसका मतलब क्या बन गया, 230 का डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, इसका हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमेशा यह ध्यान रखें डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। यदि यह चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। कैसे, यदि 3 अंक की संख्या तो 3 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या यह है 230 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब यह बड़ा है, ठीक है। अब 230 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1081 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग, तो हमने हमारा बहुत बड़ा दिमाग लगाया, इसको हमने गुणा किया किससे, 4 से, ठीक है। कितना गया, 0 4 3 12, 1 चला गया, 8 और 1 9, तो भाग गया कितनी बार, 4 बार, कितना गया, 920। फिर हमने इसको घटाना होता है, यहाँ पर हमने घटाया तो कितना आ गया, 1 में से 0 गया, 1 आ गया, 8 में से 2 गया, 6 आ गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आई वो हमेशा छोटी मिलेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें। किसका डिवाइड करें, 230 का। तो आप देख सकते हैं 230 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, तो आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है कि सर पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 230 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग कि सर जब इसको हम किससे गुणा करते हैं, 7 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 0 7 21 2 क्रिया गया, 14 और 2 16, तो भाग कितनी बार गया, 7 बार, कितना गया, 16 110। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, कितना आ गया, 4.7। तो इस प्रकार से अभी हमने ये एक आसान तरीके से डिवाइड सीखने का कोशिश किया। प्यारे बच्चों नमस्कार, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 910 में 65 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे 910/65 भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 65 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 65 से बड़ा है, यस। अब हम 65 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 91 से बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। तो 65 को हमने 1 से गुणा किया तो कितना रहे, 65, 65 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका इससे बड़ा रहा है, इसीलिए हमने लिया 1 बार, कितना आ गया, 65। इसको यहाँ लिखना और उसके बाद इसको हम घटाते हैं, घटाने पर कितना आ रहा है, 6 और 2, फिर ऊपर से 0 यहाँ ले आएंगे। अब क्या करें, फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो हमने 65 को गुणा किया किससे, 5 से,
ठीक है, तो इससे बड़ा है। 65 को हमने गुणा किया किससे? 4 से, 4 और 5 20, 2 क्रिया आ गया, 4 संग 24 और 2 26, तो भाग गया कितनी बार? 4 बार। एग्जैक्ट हमें कितना मिल गया? 260 ही मिल गया। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से ये डिवाइड हुआ। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो आप सभी, कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 14 में 212 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे 14/212 भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि 212 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या यह 212 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं है सर। तो फिर हम क्या काम करेंगे? एक काम कर सकते हैं, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। क्या अब बड़ा है? पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? पर डिवाइड कितनी बार होगा? 0 बार होगा। तो भाग गया 0 बार, कितना आ रहा है? 0। फिर हमने इसको घटाना होता है। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करना है? घटाते जो संख्या है इसके साथ हम 0 लिख देंगे। क्या अब बड़ा है? यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1400 से बड़ा ना है, यानी 1400 से छोटा मिलना चाहिए। तो हमने लगाया दिमाग, तो इसको 7 से गुणा करते हैं जिससे बड़ा रहा है, लेकिन इसको हमने 6 से गुणा किया, तो भाग गया 6 बार, कितना आ गया? 6 दो 12, 1 6 और 1 7, 6 दो 12। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाने पर कितना आ रहा है आपका? 8 और 2, ठीक है, और 1। ठीक है, अब क्या करें? चूंकि पॉइंट लगा रखा है इसके साथ हम 0 लिख देंगे। फिर कितनी बार जा रहा है? 6 बार। फिर हमने घटाया, कितना आ गया? 8। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। अब क्या ये 212 से बड़ा है? नहीं है, तो डिवाइड कितनी बार होगा? 0 बार होगा। तो इस प्रकार से डिवाइड आ गया आपका, चलता रहेगा। ये आ गया आपका भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 178 में 6 का डिवाइड कैसे करें? हम इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि 6 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो यदि एक अंक की संख्या, तो पहले एक अंक के साथ तुलना करना चाहिए। क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लेंगे। अब 6 से बड़ा है, यस। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 17 से बड़ा नहीं। एक संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18। 3 बार लिया, 17 से बड़ा रहे, लेकिन 2 बार लेते हैं, कितनी बार? 2 बार, कितना आ गया? 12। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया? 5। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। अब क्या करें? फिर 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि इससे बड़ा ना है? देखिए, 6 का पहाड़ा आप लेंगे 9 बार, 9 संग 54, तो इससे बड़ा नहीं। हाईएस्ट कहाँ तक लेना होता है? पहाड़ा 9 तक ही लेना होता है। ठीक है, तो भाग गया कितनी बार? 9 बार, कितना आ गया? 54। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया? 4। अब या तो इसको सेंसफल कह दो और आगे डिवाइड करना चाहते हैं, तो देखिए सेंसफल कब कहेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई अंक नहीं है, तो इस भाग रोकना है तो ये सेंसफल बन जाएगा, लेकिन आगे भाग देना है, आगे डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो पीछे से आवाज़ आई कि सर पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। कितना बन गया? 40। अब 6 से बड़ा है, यस। अब 6 का पहाड़ा कितनी मार लें कि 40 से बड़ा नहीं है? देखिए, 6 संग 36, 6 6 जा, कितना होता है? 36। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 4। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर 40 बन रहा है,
तो फिर कितना 6 टाइम डिवाइड हो गया, फिर कितना आ गया 36, फिर माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया, फिर हो गया 6 टाइम डिवाइड। ऐसे करके यह है जो आपका डिवाइड आगे चलता रहेगा। यह आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इसको ऐसा कैसे लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बिल्कुल सिंपल, इसका कारण है कि यदि आपका यह संख्या जो रिपीटेड नंबर है वो क्या हो, 5 से बड़ा हो, तो आगे में प्लस 1 कर देंगे। यह किसके लिए है, जो लेब इत्यादि में कैलकुलेशन करते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए यही लिखना उचित रहेगा। धन्यवाद। हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी स्टूडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 256 में डिवाइड करना है किसका, 13 का। इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 13 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 13 से बड़ा है, यस। अब 13 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 25 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो 13 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ रहा है 13। ये आप देख सकते हैं कि 25 से बड़ा नहीं है। यदि 13 को 2 से गुणा करते हैं इसकी बजाय, कितना आ जाता है 26। ये तो आपका 25 से बड़ा है। तो हमने दो बार नहीं लिया, कितनी बार लिया, भाग एक बार, कितना आ गया 13। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 12। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ हम नीचे ले आते हैं, कितना बन गया 126। अब 13 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। ये संख्या कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 से लेकर 9 के बीच लेनी है। चलिए देखते हैं। तो हमने लगाया दिमाग, इसको हमने गुणा किया किससे, 9 से, कितना आ गया 9 3 27, 2 क्रिया आ गया 9 2 11, तो भाग गया कितनी बार 9 आ, इससे बड़ा नहीं आ रहा, 117 आ रहा है। ये कितना है 126 है। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 9, ठीक है। अब ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या ये वो हमेशा छोटी मिलेगी, किससे, जिस संख्या का हम डिवाइड कर रहे हैं, किसका डिवाइड कर रहे हैं 13 का। तो आप देख सकते हैं ये 13 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें, आगे कोई अंक नहीं बचा है लेकिन हमें आगे डिवाइड करना है। तो आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है कि सर पॉइंट ले लो और इसके साथ 0 लिख दो, कितना बन गया 90। अब हम फिर इसका कौन सी संख्या के साथ गुणा करें या पहाड़ा कितनी बार लें कि इससे बढ़ाना है, तो हमने इसको लिया 6 बार, कितना आ गया 6 3 18, 1 3 चला 6 और 1 7। फिर हमने इसको घटाना है, घटाने में कितना आ रहा है 2 और 1, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखेंगे, कितना बन गया 120। डिवाइड कितनी बार हो गया 9 बार, कितना आ रहा है 117। फिर हम इसको घटाएंगे, इस प्रकार से यह डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। यह क्या है आपका भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपन क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। प्यारे बच्चों नमस्कार, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 38,480 में 26 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं 26 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करें। यदि यह चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहीं कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। तो यदि दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, 26 से बड़ा है, यस। डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 38 से बढ़ाना है। तो हमने 26 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया 26, तो भाग गया 1 बार, कितना आ गया 26। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 2 और 1, फिर ऊपर से
एक अंक को यहाँ नीचे ले आते हैं, कितना आ गया 124। फिर 26 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। इसको यदि हमने 6 से गुणा किया तो इससे बढ़ा रहा है, लेकिन 5 से गुणा करते हैं, 5 संख 30 3 के लिए आ गया, यह भी बढ़ा रहा है। तो फिर हमने 5 से एक छोटी संख्या यानी 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4 संख 24, 2 के लिए 8, 2 10, ये मामला बैठ गया। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाने में कितना आ गया 20। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया, किसका डिवाइड किया है 26 का, तो यह देख सकते हैं 26 से छोटी है, इसका मतलब डिवाइड ठीक किया, सही किया। यदि सोचिए घटाने पर बड़ी आ रही है, इसका मतलब हमने गलती की है। अब क्या करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। अब 26 को हमने गुणा किया किससे, 8 से, 8 संख 48, 4 क्रिया गया 16 और 4 20, तो भाग गया कितने बार, 8 बार, कितना आ गया 208। फिर माइनस किया 0 आ गया, फिर ऊपर से 0 को यहाँ नीचे ले आते हैं। ध्यान रखें ये 0 हम कहाँ से लेके आए, देखिए घटाने पर जो 0 आता है उसको हम सेंस फल की तरह ट्रीट करते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, घटाने पर जो 0 आएगा। लेकिन जब ऊपर से 0 लेके आते हैं उसको एक अंक की तरह ट्रीट करेंगे, यानी उसमें डिवाइड करेंगे, तो 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड कितनी बार होता है, 0 बार होता है, कितना मिलता है 0 मिलता है। फिर हमने इसको घटाया 0 आ गया। अब ये 0 आपका सेंस फल है, ऐसा नहीं कि मैं इस 0 में भी डिवाइड करूँगा, नहीं, ये घटाने पर आया है, वो हम ऊपर से लेके आए हैं, तो ये इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ये आपका क्या आ गया, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट भी कैसे, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 57 में हमने 115 का डिवाइड कैसे करना है, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका डिवाइड कब कर पाएंगे 115 का, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो, ठीक है। क्या यह 115 से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं है सर, तो फिर डिवाइड कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, पॉइंट लेते हैं 0 लिख देते हैं, कितना आ गया 570। अब बड़ा है, यस, अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 570 से बढ़ाना है। तो हमने 115 को गुणा किया किससे, 5 से, तो इससे बढ़ा रहे, लेकिन 115 को हमने गुणा किया किससे, 4 से, तो भाग गया 4 बार, कितना आ गया 460, जो कि 115 से बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 0, 1, 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है, किसका डिवाइड कर रहे हैं 115 का, तो 115 से ये छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है, क्योंकि पॉइंट लगा रखा इसके साथ हम 0 लिखेंगे। अब 115 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। ना दिमाग लगाया तो इसको यदि हम देखिए गुणा करके देख लेते हैं ना, 9 से गुणा करते हैं तो कितना रहे, ये आ गया आपका 9 5 45, 4 करी आ गया 9 4 13, 1 करी आ गया 9 और 1 10, ये मामला बैठ गया। तो भाग गया कितने बार, 9 बार, कितना रहे 1035 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाना है, तो इस प्रकार से घटाते जो संख्या आएगी, पॉइंट लगा रखा है तो उसके साथ 0 लिख देंगे और ये डिवाइड आगे चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो, आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 513 में 116 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए अब जानते हैं 116 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो क्या देखिए, 3 अंक की संख्या 3 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 116 से बड़ा है, यस।
देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें आपकी क्लियरिटी है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम 116 को जैसे गुणा करते हैं 5 से, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से गुणा करना होता है। इसको यदि हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन इसको हमने 4 से गुणा किया कितना आ गया, 4 × 24 64 और 464 आ गया। फिर हमने इसको घटाना है। देखिए यहाँ डायरेक्ट आप गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और गुणा कर लेंगे, ठीक है। अभी घटाया घटाया तो कितना आ गया, 9 4। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किए हैं, किसका डिवाइड किया है, 116 को। तो आप देख सकते हैं 116 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया, सही किया। अब क्या करें, तो आप कहेंगे सर पॉइंट लेते हैं, इसके साथ जीरो लिख देते हैं। अब क्या करें, फिर आपको दिखाई दे रहा है कि 4 बार लेते हैं तो इससे बड़ा नहीं आ रहा है, तो फिर भाग गया कितनी बार, 4 बार, कितना आ गया, 464। फिर हमने माइनस किया कितना गया, 6 और 2। पॉइंट लगा रखा तो क्या करना है, इसके साथ चुपचाप जीरो लिख सकते हैं, ओके। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें, 116 को, कि इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। यदि इसको हम 2 से गुणा करते हैं, किससे, 2 से, इससे बड़ा नहीं, फिर इसको घटाना है, और फिर घटाते जो संख्या आएगी, क्योंकि पॉइंट लगा रखा था, इसके साथ जीरो लिख देंगे, और इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये हमारा क्या बन गया, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। तो आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 47 में 15 का डिवाइड कैसे करें, इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 15 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो, ठीक है। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करना है, क्या इससे बड़ा है, यस। तो यहाँ से हम क्या समझने का कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। यदि यह चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ रहती है। अब 15 का टेबल कितनी बार लें कि 47 से बड़ा ना है, और यदि आपको टेबल याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 47 से बड़ा ना है। तो 15 को हमने 2 से गुणा किया, 15 को हमने 3 से गुणा किया, तो 3 से गुणा करने पर हम 47 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं, और इससे बड़ा भी नहीं है। फिर हमने इसको घटाया कितना गया, 2। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, तो एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है कि सर यहाँ कोई अंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ जीरो लिख देते हैं, कितना बन गया, 20। फिर भाग गया एक बार, कितना आ गया, 15। फिर हम इसको घटाते हैं, कितना आ गया, 5। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर भाग गया 3 बार, कितना आ गया, फिर 45। फिर हमने घटाया, फिर 5 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0। यानी अब आपका यह ऐसे 3 3 3 है जो चलता रहेगा, क्योंकि ये 50 50 50 ऐसे वापस बनता जाएगा, और ये आपका डिवाइड ऐसे होता रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 12.42 में 4.6 का डिवाइड करना है, तो इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट वाला भाग देखकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट वाला भाग है मतलब मुश्किल होगा। तो आप सर्वप्रथम क्या करें, जब भी पॉइंट वाला भाग देखें तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटा दो, इसको पॉइंट वाले भाग से नॉर्मल डिवाइड में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं यहाँ पर सीखते हैं। देखिए हम यहाँ नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर पॉइंट है तो उसमें चल जाता है, फिर उसको ये जो पॉइंट होता है इसको हम आगे भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट हटाना ज़रूरी है, तो इस पॉइंट को हम हटाते हैं, ऊपर आएगा गुणा 1, पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ 10 आ जाएगा।
ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ गुणा आएगा एक, इसके बाद दो अंक है तो ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1242, और ये नीचे बन गया 460। तो ये डिवाइड आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 460 का डिवाइड करना है किस में, 1242 में। कैसे हुआ ये हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है ठीक है। अब हम 460 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि तीन अंक की संख्या तीन अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह बड़ा है 460 से, नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल करो। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें, एक से लेकर नौ तक, 460 को कि 1242 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। इसको हम जैसे तीन से गुणा करते हैं तो इसे बड़ा आ गया, दो से गुणा के जीरो, शायद 12, एक रे चले गए 8 और एक 9, भाग गया 2 बार, कितना गया। फिर हमने इसको घटाया, कितना गया 2 2 और 3। जो घटाने पर संख्या है वो आपकी छोटी है, किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें, किसका, 460 का डिवाइड किया था। आप देख सकते हैं ये 460 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें, पॉइंट लेंगे, यहाँ कोई अंक नहीं रहता है तो क्या करना रहता है, पॉइंट लेना होता है, इसके साथ जीरो लिख देते हैं। कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। इसको हमने 7 से गुणा किया, किससे, 7 से, कितना, जीरो, 7 संख 42, 4 के लिए आ गया 28 और 4 कितना 32, एग्जैक्ट हमें यही मिल गया। फिर घटाया, 0 आ गया, भाग पूरा हो गया, ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, यानी इसका आंसर ये है आपका ओके। तो इस प्रकार से अभी हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। चलो आप सभी कैसे हैं, अभी स्टूडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 313 में डिवाइड करना है 112 का, तो इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 112 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो ठीक है। तो हम यहाँ तुलना करते हैं, दो अंक की संख्या सॉरी तीन अंक की संख्या तीन अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह इससे बड़ी है, यस। तो हम इसको एक से लेकर नौ तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको जैसे तीन से गुणा करके देखा तो इससे बढ़ा रहा है, लेकिन इसको जब हम दो से गुणा करते हैं तो भाग गया 2 बार, कितना आ गया 224। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाने पर कितना आ रहा है आपका है 9 8। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या ही है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है, यहाँ पे किसका डिवाइड किया है 112 का। तो आप देख सकते हैं 112 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया। अब क्या करें, पीछे से आवाज़ आ रही है कि सर यहाँ कोई अंक नहीं है तो पॉइंट लेंगे और यहाँ जीरो लिख देंगे, कितना आ गया 890। अब डिवाइड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। तो हमने लगाया दिमाग कि इसको यदि 8 से गुणा करते हैं, 16 के कैरी चला गया 8 और 9, इससे बड़ा आ रहा है ठीक है। तो फिर इसको जैसे 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 6। हमने इसको घटाना है, कितना आ गया 6 ठीक है। और यहाँ 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 7 गया, आ गया 1, पॉइंट लगा रखा है। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी कैसे हैं, अभी स्टूडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 738 में डिवाइड करना है 714 का, इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 714 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। तो यहाँ कंपेयर कर लो, तीन अंक की संख्या तीन अंक के साथ कंपेयर कर लो, इसे बड़ा है, यस। अब इसको एक से लेकर नौ तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 738 से बढ़ाना है, यानी इस संख्या से हमें छोटा मिलना चाहिए, ऐसे समझो। तो हमने 714 को एक से गुणा किया तो 714 आ रहा है, जो कि इसके लगभग नज़दीक है, यानी दो से गुणा करेंगे तो आपका इससे बड़ा आ जाएगा, ऐसे समझ लो। तो भाग गया यहाँ पर 1 बार, फिर हमने इसको घटाया, कितना गया 4 2।
अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कोई देखा तो अंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पीछे से आवाज़ आ रही है कि स्टूडेंट बोला कि सर पॉइंट लेंगे, इसके साथ जीरो लिख देंगे। 240 15 है, क्या यह 714 से बड़ा है? देखिए पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका डिवाइड कितनी बार होता है, जीरो बार होता है, तो भाग गया जीरो बार, आ गया जीरो। फिर हमने पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ जीरो लिखेंगे, घटाते जो संख्या ही है। ठीक है, अब 714 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना, लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग कि 714 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो भाग गया 3 बार, कितना आ गया 4 3 12, 3 और 1 4, 7 3 21। फिर हमने इसको घटाना होता है, तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, भागफल। ऐसे हमारे देखिए खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, उन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद। आप सभी कैसे, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 18.616 में डिवाइड करना है 26 का, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यदि दो अंक की संख्या तो दो अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 26 से बड़ा है, यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे बड़ा है, नहीं है। अगला अंक सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि पॉइंट आ रहे हैं, तो पॉइंट के ऊपर से हम नहीं जा सकते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अब ये अगला अंक शामिल कर लिया, ठीक है। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। हमने लगाया दिमाग कि 26 को गुणा किया किससे, हमने देखो इसको 9 से गुणा करते हैं 26 को, तो इससे बड़ा आ रहा है। 8 से गुणा किया तो भी बड़ा आ रहा है, इसको हमने 26 को 7 से गुणा कर दिया, 7 संख 4 के रह गए 14 और 4 18, ये बैठ गया तो भाग गया 7 बार, कितना आ रहा है, अब ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कितना गया 182। फिर हमने इसको घटाना है, कितना कि 4, फिर ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आ सकते हैं, ठीक है, कितना बच गया 41। अब हम 26 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है 26, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट घटाना होता है, कितना आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है आपका 5 और 1, फिर ऊपर से हम 6 को यहाँ नीचे लेके आ गए हैं। अब 26 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 6 से, कितना आ जाता है 156, डिवाइड हो गया 6 टाइम, कितना आ गया 156, फिर सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया, ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा डिवाइड करने का प्रयास किया। आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 415 में 3.4 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जब भी पॉइंट वाला डिवाइड दिखे, सबसे आसान तरीका है कि पहले आप पॉइंट को हटा दो, ठीक है, कन्फ्यूजन में फंसना ही नहीं है, प्रॉब्लम में फंसना ही नहीं है। तो पॉइंट कैसे हटेगा, देखिए यहाँ समझते हैं, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर गुणा आएगा, कहाँ से हटा रहे हैं, नीचे से ऊपर गुणा आ गया, एक पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ 10 आ जाएगा, ऊपर गुणा कर देते हैं, ये बन गया, ठीक है। यानी ये जो डिवाइड है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी 34 का 4150 में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 34 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या से बड़ा हो। दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, बड़ा है यस,
अब इसको हम एक से लेकर नौ तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 41 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो हमने 34 को गुणा किया एक से, कितना आ गया 34 आ गया, एक बार आ गया 34, फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 7, फिर ऊपर से एक आ गया, हम नीचे ले आते हैं। अब 34 को हम गुणा करते हैं किससे, 2 से, कितना आ गया 8 और 6, फिर हमने इसको घटा देना है, कितना आ गया, देखिए ये आ गया आपका 7, फिर ऊपर से हम 0 यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब क्या करें, फिर डिवाइड हो गया कितनी बार, 2 बार, फिर हमने घटा दिया, आ गया कितना 2। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ कोई अंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेना होता है, इसके साथ 0 लिख देते हैं। क्या ये 34 से बड़ा है, नहीं है, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं आता, तो डिवाइड कितनी बार होगा, 0 बार, आ गया 0। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 200, फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग, इसको यदि 6 से गुणा करते हैं तो इससे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको हमने 5 से गुणा किया, 15 और 2 17, फिर हमने इसको घटाना है, इस प्रकार से डिवाइड आपका ये चलता रहता है, ये आ गया आपका भागफल, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। हेलो, आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 158 में 13 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम 13 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो, ये दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 13 से बड़ा है, यस। अब हम 13 को एक से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 15 से बड़ा ना आए, तो हमने 13 को गुणा किया एक से, कितना आ गया 13, तो भाग गया एक बार, आ गया 13, फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 2, ऊपर से एक अंक को यहाँ नीचे ले आते हैं। अब 13 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, कितना आ जाता है 26, तो भाग गया 2 बार, आ गया 26, फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 2। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, आगे डिवाइड करना है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं, कितना बन गया 20, भाग गया एक बार, आ गया 13, फिर माइनस किया, आ गया 7, पॉइंट लगा रखा है तो घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखना है, कितना 0 लिखना है, केवल एक 0 लिखना है। अब 13 को हमने 5 से गुणा किया, कितना आ गया 13 5 65, फिर हमने घटाया, कितना गया 5, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा, ये क्या है, भागफल है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 13,936 में 452 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 452 का हम डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो, ठीक है। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, 3 अंक की संख्या 3 अंक के साथ तुलना कर लो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें यह समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ पहले तुलना कर लो, क्या ये 452 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अगला अंक शामिल कर लेंगे। अब बड़ा है, यस, कितना रहे 1393। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इससे बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। तो हमने लगा लिया दिमाग, इसको जब हम गुणा करते हैं किससे, 3 से, 6, 5 3 15 और 1 के लिए चला गया 12 और 1 13, तो भाग गया 3 बार, कितना आ गया 1356, जो कि इससे बड़ा नहीं है, इससे कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ये क्या है, ये संख्या छोटी होनी चाहिए। जैसे 3 बार भाग किया है, अब 3 से एक बड़ी संख्या लेकर देखो, यानी इसको यदि हम 4 से गुणा करें 452 को, तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब
16 यहाँ पर आपका परफेक्ट है, सही है, ठीक है। फिर हम इसको घटाते हैं। घटाने पर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत जगह काम आएगी। कितना आ गया आपका 7 और 3। ये जो संख्या है ये आपकी छोटी होनी चाहिए। किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया है। किसका डिवाइड किया है? 452 का। आप देख सकते हैं 452 से छोटी है, ठीक है। फिर क्या करें, ऊपर से एक अंक यहाँ ले आते हैं। क्या ये 452 से बड़ी है? डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या 452 से बड़ी हो। नहीं है, बड़ी नहीं आती ऊपर से एक अंक लाने के बाद भी। तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका? 0 बार होता है। आ गया 0, फिर हमने इसको घटा दिया। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए? तो पीछे से आवाज़ आ रही है कि सर यहाँ जब कोई भी अंक नहीं रहता है तो इस स्थिति में आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेना होता है, इसके साथ हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसे बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया किससे? 8 से, ठीक है। कितना आ रहा है? 16, 1 चला गया, 40 और 1 = 4 के आ गया, 32 और 4 = 36। भाग गया कितनी बार? 8 बार। कितना आ गया? 3616। फिर हमने इसको घटाना है। कितना आ रहा है घटाने पर? 4 4 और 1। पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर डिवाइड कितनी बार हो गया? 3 बार। फिर हम इसको घटाएंगे। इस प्रकार से ये आपका डिवाइड आगे चलता रहेगा। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। हेलो, आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 13.005 में डिवाइड करना है 5.1 का, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला भाग देकर कुछ विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट वाला भाग है तो पता नहीं मुश्किल होगा, डिवाइड कैसे होगा। ऐसे बहुत सारी मन में शंकाएँ आती है, लेकिन करना क्या है? पॉइंट को हटा दो, इसको सिंपल डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद एक अंक 10 आ गया, ऊपर से पॉइंट हट गया, नीचे गुणा आ गया 1, पॉइंट के बाद 1 2 3, 1 2 3। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बन गया? नीचे इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना? 51 है। तो कितना आ गया? 5100 आ गया। यानी ये डिवाइड आपका अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? 5100 का डिवाइड करना है किस में? 13005 में, ठीक है। देखिए 5100 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी है। 4 अंक की संख्या, तो पहले 4 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या इससे बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 13005 से बढ़ाना है। तो इसको हमने 2 से गुणा किया, कितना? 0 0 2। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना गया? 5 0 8 और 2। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया है। किसका डिवाइड किया है? 5100 का। तो 5100 से ये छोटी है, ठीक है। इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें? अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कोई भी अंक नहीं है लेकिन आगे डिवाइड करना है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। फिर हमने इसको गुणा किया 5 से, कितना गया? 0 0 5 और 25। फिर हम इसको घटाएंगे, कितना गया? 0 5 5 और 2। पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर डिवाइड कितनी बार हो गया? 5 बार। फिर हमने घटाया, 0 आ गया, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं?
भागफल लिखते हैं। धन्यवाद।